एक अंधेरी कोठरी जहां इंसान क्या रूह भी मांगती है मौत की भीख। आईएसआईएस के जुल्म की सबसे खौफनाक दास्तान बगदादी का टॉर्चर रूम। टॉर्चर यानी जुल्म, नाजुक जिस्म को छील डालने वाला जुल्म, फौलादी आत्मा को पिघला डालने वाला जुल्म। ऐसे ही बर्बर जुल्म के कांटे पर 2 साल से लटका है इराक और सीरिया। सबसे बर्बर आतंकी गुट आईएसआईएस की बेरहमी ने दुनिया को दहला रखा। कभी जासूस कहकर गले में नेकलेस बम पहनाकर मार डाला, कैदियों को सूली पर चढ़ाकर मार डाला, दुश्मन पायलट को पिंजरे में बंद कर आग जलाकर मार डाला, औरतों को जंजीरों में बांधकर बाकायदा बोली लगाकर नीलाम किया गया, सेक्स गुलाम बनाकर उनसे जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया गया। बगदादी की काल कोठरी का पता नहीं चलता। अगर इराकी फौज फलूजा शहर पर कब्जा करने में नाकामयाब होती, पिछले 2 साल से फलूजा पर इस्लामिक स्टेट की हुकूमत थी, वो हुकूमत जो इंसानियत की जुबान नहीं समझती और जिसकी हैवानियत सभ्य समाज की समझ से बाहर है। फलूजा में फिलहाल इराकी फौज की अगुवाई में गठबंधन सेना गली मकाम मकाम आतंकियों को खोज रही है, उन्हें खत्म कर रही है। और इसी खोजबीन के दौरान जब एक इमारत की अंधेरी कोठरी का दरवाजा खुला तो दीवारें खून से रंगी मिली, पिंजरे जुल्म की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्ता सुनाते मिले। इंसानों से खाली हो चुकी कोठरी में मंजर ऐसा था कि कमजोर दिलों में दर्द का खंजर उतर गया, क्योंकि ये काल कोठरी कोई आम कमरा नहीं था, ये था बगदादी का टॉर्चर रूम। सवाल यही उठता है कि इस्लामिक स्टेट के जिहादियों और बगदादी ने जुल्म सितम की तस्वीरें आखिर जमाने के सामने क्यों दिखाई, इसके जरिए वो क्या हासिल करना चाहता है। तो जवाब है, आतंक का ये कारोबार सिर्फ और सिर्फ डर से चलता है, इसलिए जितना डराओगे उतनी देर हुकूमत करोगे। इसी नीति पर चलते हुए बगदादी ने अपने जालिम वीडियो के जरिए दहशत की हुकूमत कायम कर ली। जिंदा जलाना, गर्दन काट देना, बम से उड़ा देना, सीधे सिर पर गोली मारना या पत्थर मार मार कर औरतों मर्दों की जान ले लेना। आमतौर पर इस्लामिक स्टेट ऐसे जुल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन करता है ताकि वो प्रोपेगेंडा कर सके। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि जंग में पकड़े कैदियों से जानकारी पाने के लिए, संदिग्ध जासूसों का पता लगाने के लिए और विरोधियों से खुफिया जानकारी उगलवाने के लिए इस्लामिक स्टेट लेता है टॉर्चर का सहारा। जरा सोचिए, जब इस्लामिक स्टेट की सार्वजनिक बेरहमी का वीडियो ही दिल दहला देता है तो जो जुल्म बंद अंधेरी कोठरी में ढाए जाते थे वो कितने बेरहम रहे होंगे। और ये पहली बार नहीं है जब फलूजा में इस्लामिक स्टेट के किसी टॉर्चर कैंप का पता चला है। अमेरिकी मरीन कमांडोज ने एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत जब फलूजा के खास इलाके में छापा मारा था
तब अमेरिकी दस्ते को भी एक इमारत में बगदादी का टॉर्चर कैंप मिला था। उस कमरे की दीवारें भी खून से लाल थी। वहां भी मिले थे यातना देने के काम में आने वाले खौफनाक औजार। जब फलूजा में बगदादी का टॉर्चर रूम मिला था, तब सिर्फ ये शक ही था कि इस्लामिक स्टेट बाकायदा संगठित तरीके से टॉर्चर कैंप चला रहा है। लेकिन फलूजा पर इराकी सेना के कब्जे के बाद अब शक यकीन में बदल चुका है। फलूजा में मिले ताजा टॉर्चर कैंप के हर कमरे में पिंजरे और यातना देने वाले औजार मिले हैं, जिन्हें सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से जान भी जा सकती है। टॉर्चर सभ्य समाज के माथे पर एक दाग की तरह है। लेकिन हकीकत ये है कि गुप्त रूप से दुनिया के लगभग हर मुल्क तफ्तीश में इसका इस्तेमाल करते हैं। इराक में अमेरिकी कब्जे में चलने वाली अबू गरीब जेल इस मामले में कुख्यात थी। साल 2013 में जब रक्का पर आईएसआईएस और विद्रोहियों का कब्जा हुआ, तब वहां भी यातना घर मिले थे। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट वॉच ने आरोप लगाया था कि असद सरकार इनका इस्तेमाल करती है। इन इमारतों में लकड़ी के ऐसे ढांचे मिले हैं जिनका इस्तेमाल प्राचीन काल से ही इंसानों पर जुल्म ढाने के लिए किया जा रहा है। माना जा रहा है इस्लामिक स्टेट ने जुल्म ढाने के इससे भी भयंकर तरीके इजाद किए थे। रक्का में अभी भी बगदादी के ऐसे टॉर्चर कैंप चल रहे हैं, जहां कैदियों पर ढाया जाता है अमानवीय जुल्म। तो आज हादसा में इतना ही। जहां भी रहिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।